नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेके आल इन्फॉर्मेशन और मैं हूं आपके साथ अजय सिंह। आपको बता दें कि कुछ रिक्रूटमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अप्रैल 2024 के मध्य में इस टाइम जो भी जितने भी जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म इस टाइम लग रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले चाहूँगा कि जेके आल इन्फॉर्मेशन को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि जितने भी जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट के जॉब स्टेम लग रहे हैं, उनके जॉब के फॉर्म लग रहे हैं, आपके साथ साझे करेंगे और डेली हम वीडियो बनाते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखते हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को देखा करें। हम कोई भी ऐसे फालतू की वीडियो नहीं डालते हैं, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम काम की वीडियो डालते हैं। और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्म लग रहे हैं। अगर आपको भी डाउट है कि कौन कौन से फॉर्म लग रहे हैं, आपको डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको बता दें कि सबसे पहले हम रेलवे की बात करते हैं। रेलवे में फॉर्म लग रहे हैं, जिनके RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मुझे फॉर्म लग रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि एक सब इंस्पेक्टर और दूसरे सीट के साथ कांस्टेबल के पद पे फॉर्म निकले हुए हैं। कांस्टेबल के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आपकी 10वीं पास, यानी कि 10th पास आपकी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, यानी कि सिंपल आपने 10th पास किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन रखी गई है। आपको बता दें कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आपको बता दो, आपको 500 रुपये फ़ी जनरल और OBC के कैंडिडेट्स को पे करना होगी। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, CBT एग्ज़ाम, जिनके कंप्यूटर बेस्ड आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आपका 100 रुपया जो आपका रुपीज़ हैं आपके खाते में वापस आ जाएगा। जिस टाइम आप फॉर्म फिलअप करोगे उस टाइम आपको अपना अकाउंट नंबर डिटेल भेजना होगी, उसी अकाउंट नंबर पे आपके पैसे वापस आ जाएंगे। उसके साथ SC और ST के लिए 250 रुपये उनको फी पे करना पड़ेगी फॉर्म फिलअप करते समय, लेकिन उनको भी 200 रुपया वापस आ जाएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए। इसकी लास्ट डेट 14 मई को रखी गई है। अगर आप ये फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको फॉर्म फिलअप कर देंगे और फाइनल जो PDF आपको भेज देंगे। फिर से बता रहा हूँ, इसके लिए 10th बेसिस पे रखी गई है। इसके फॉर्म चल रहे हैं, इसके फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं, कई दिनों से स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि जो इसकी लास्ट डेट भी होने वाली है, जल्दी से जल्दी आप इसको अप्लाई करें। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो संपर्क हमारे साथ जरूर करें। उसी के बाद दूसरी CHSL के रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि SSC के अंडर आता है, जिनकी सर्व सिलेक्शन कमीशन। आपको बता दें कि इसमें भी एक 12th के बेसिस पे रिक्रूटमेंट आउट की गई। अगर आपने 12वीं पास की तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया की लेवल के जो रिक्रूटमेंट है, जो मैंने आपको पहले बताया, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान से देखने वाली बात है, इसके लिए अगर मेल और फीमेल दोनों भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। CHSL की बात करें, इसमें अगर 12वीं पास किया है तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें SC और ST के कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल जो फ्री में फॉर्म फिलअप होगा, और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 100 रुपये फी पे करना होगी। आपको बता दें कि अगर इसका भी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी फॉर्म लग रहे हैं, NVS में फॉर्म लग रहा है, आप 10वीं बेस के भी, 12वीं बेस के भी वहाँ पे फॉर्म लग रहे हैं, यही फॉर्म लग रहे हैं। जितने भी फॉर्म आउट होंगे, जितने भी रिक्रूटमेंट डोमिशन में आउट होगी, हम बाहर की दूसरे का एरिया भी कवर करने की कोशिश करें, लेकिन मेरा हमारा जो मेन फोकस है JIN के स्टूडेंट के लिए होता है। आपको बता दें कि यही फॉर्म इस टाइम लग रहे हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए जेके आल इन्फॉर्मेशन को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जितने भी जम्मू कश्मीर में जाकर नोटिस आउट होंगे कौन कौन से फॉर्म लग रहे हैं, हम हमारे चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिन्होंने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन किया, ताकि वो भी इसके लिए अप्लाई कर सके। फिलहाल के लिए मुझे दी इजाजत, देखते रहिए जेके आल इन्फॉर्मेशन। मैं हूँ अजय, धन्यवाद।